हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिज़ायर आईएएस। दोस्तों आज हम एनवायरनमेंट के जो टॉपिक बच गए थे अप्रैल तक के, उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सेशन 3 था उसमें एक लेक्चर हमारा आ चुका है पहले, तो ये नेक्स्ट है। तो अब डिस्कस करते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में। तो ये ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट हमने देख लिया था, जो एनर्जी एफिशिएंट होंगी, जो एनर्जी को रीन्यूएबल सोर्सेज से ज़्यादा यूज़ करेंगी, और जो हमारे नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी होती है उनको एफिशिएंट वे में यूज़ करेगी, ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। तो ये काउंसिल बनाई हुई है इस चीज़ के लिए, ताकि ग्रीन बिल्डिंग को बनाया जा सके। और किसका पार्ट है ये? पार्ट है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। और इसको 2001 के अंदर बनाया गया था। काम क्या है इसका? ये चाहती है कि हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बिल्ड करें, मतलब जो बिल्डिंग हो हमारी वो सस्टेनेबल हो, ठीक है, उसके लिए ये मेनली काम करती है। और इसका मतलब रेटिंग सिस्टम भी होता है जिससे ये रेट करती है। जैसे इनका रेटिंग सिस्टम है न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ये शायद हमने पहले देख लिया है कि बिल्डिंग को रेटिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो जो कि ग्रीन होती है तो उसको रेट भी करना पड़ता है, कि उसको सर्टिफाई करना पड़ता है, मतलब कितने परसेंट हो ग्रीन है। जैसे 25% ग्रीन है, 75% ग्रीन है, तो उस सर्टिफिकेशन के लिए इन्होंने एक सर्टिफिकेशन के लिए पैमाना भी लॉन्च किया हुआ है। तो उसको बोलते हैं न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज करती है एक प्रोग्राम ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस, ठीक है, एनुअल इवेंट होता है। तो इसके अंदर हमने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, जिसका ये पार्ट है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या है? नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडस्ट्री का समूह है। मतलब इसमें इंडस्ट्री वगैरह जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो सब इकट्ठी हुई हैं किस चीज़ के लिए, मतलब ये इंडस्ट्री के द्वारा ही लेड किया जा रहा है और वही इसको मैनेज करते हैं। इनका मेन काम है एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं ये अपने लिए डिफरेंट पॉलिसी बनाना, ताकि ये कम्पिटिटिव रह सकें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में। जैसे अपनी प्रोडक्शन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, उसमें एफिशिएंसी लेके आना, कम्पिटिटिवनेस बना के रखना ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, वो काम करती CII। तो आपको याद रखना है नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट बनी हुई है, ठीक है, जो डिफरेंट इंडस्ट्री होंगी उनकी कोलैबोरेशन है, काउंसिल बनाई हुई है उन्होंने। और ये काम करते हैं मेनली एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए, कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इन्हीं का इनिशिएटिव है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसके अंडर आता है न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम। और अदर कौन से रेटिंग सिस्टम है हमारे पास ग्रीन बिल्डिंग के लिए? एक तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग देता है, ठीक है, एनर्जी के लिए किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए। इनका इंडेक्स है एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स। और एक गृहा है, गृहा हमने पढ़ लिया था, ये जो टेरी है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा दिया जाता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं। लीड है हमारे पास लीड US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन करते हैं ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। फिर हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ आती है, साइंटिस्ट फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीशियस मेटल वगैरह पाए जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको पता होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है, उसके पास में पाए जा रहे हैं ये, ठीक है। तो ये मेनली रिसर्च है, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन आ सकता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंदर में काम करता है। जियोलॉजिकल जो सर्वे होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे मतलब कि जो अर्थ की टोपोग्राफी है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में स्टडी करता है। वहाँ पे मिनरल वगैरह प्रेजेंट होंगे, उनके बारे में, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करता है ये। इसको अंग्रेज बना के गए थे, 1857 के अंदर बना था ये, और ये कंडक्ट करता है जियोलॉजिकल सर्वे, स्टडी वगैरह कर देता है, ठीक है। और कोई मिनिस्ट्री वगैरह है, जैसे हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, या स्टील के बारे में, इंडस्ट्री के लिए आपको मेटल सीमेंट के बारे में नॉलेज चाहिए, अर्थ के अंदर पाए जा रहे हैं मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट मिनरल वगैरह, तो उसका रिसर्च वगैरह करके डिफरेंट मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ आती कि राइस फील्ड लेबोरेटरी को, मतलब एक लेबोरेटरी है राइस फील्ड लेबोरेटरी, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे? फिलीपींस के अंदर में, ठीक है। और ये मतलब किसके द्वारा इसको किया गया, वो था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक लेबोरेटरी बनाई, उसका नाम उन्होंने पीएम मोदी के नाम पे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर एक तो याद रखना फिलीपींस के अंदर है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, एक लार्जेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च करने के लिए सेंटर है, जो कि एशिया के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पे? फिलीपींस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये काम क्या करता है, इंटरनेशनल जो एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च वगैरह करता है ये, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च करेगा, ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करेगा। और इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी इन्होंने वेराइटीज़ वगैरह, राइस की वेराइटीज़ प्रोवाइड करवाई थी इंडिया को, ठीक है। और इसका मेन एम देखेंगे, जब इसको 1960 में बनाया था तो इसका एम था कि हमने एग्रीकल्चर में रिसर्च करनी है, जिससे कि हम पॉवर्टी को कम कर सकें, हंगर को कम कर सकें, हेल्थ की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें जो फार्मर वगैरह होते हैं, ठीक है। ये इनका मेन काम था।
और इनका एक रीजनल सेंटर भी ओपन किया गया है रिसेंटली, इसको बनाया गया है वाराणसी के अंदर। मेन सेंटर इनका हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर है, लेकिन इनका रीजनल सेंटर भी बनाया गया है वाराणसी के अंदर। और ये वन ऑफ द 15 एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर, उनमें से एक है ये, ठीक है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी की तरह अलग अलग फील्ड के अंदर में 15 और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से उनको बोलते हैं, जब मतलब वो 15 कोलैबोरेट करते हैं उनको बोलते हैं कंसोर्टियम, मतलब इकट्ठा होके, ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। तो उन्हीं का एक ये पार्ट है। अब देखेंगे कंसोर्टियम ग्रुप, कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये पूरा ग्रुप है जिसमें 15 ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशनें काम क्या करती हैं, रिसर्च करती हैं फूड प्रोडक्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करती हैं। इनके 15 सेंटर हैं, और इनमें मेन बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये किसी और, मतलब जो हमारी मेन एजेंसीज हैं जैसे यूनाइटेड नेशन है, उनके साथ एसोसिएटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है उनसे, ठीक है। ये फंडिंग वगैरह इनको मेंबर जो होते हैं वो देते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 15 हैं और डिफरेंट फील्ड में वर्क करती हैं, जैसे ये फूड सिक्योरिटी के लिए वर्क करना चाहती हैं, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती हैं, वो इनका काम है। नेक्स्ट आता है यूएन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ग्रुप, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मल सा ग्रुप है। यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए ग्रुप है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चले हुए हैं, ठीक है। इनकी सबमिट वगैरह भी होती हैं, जैसे जो बायोसेफ्टी के लिए सबमिट थी इनकी, कार्टिजीना, नगोया, डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए ये एक यूनाइटेड सिस्टम का एक कोऑर्डिनेशन की बॉडी है, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो काम करती है यूनाइटेड नेशन, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, ठीक है। उनके बारे में रिपोर्ट वगैरह लागू करना, ये क्या प्रोग्रेस हुई उनके बारे में चेक करती है। इसको 2001 में बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ग्रुप को बनाया गया था। और इसके मेंबर इंक्लूड करते सेक्रेटरीट ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट वगैरह एनवायरनमेंट के थ्रू होते रहते हैं, जैसे कार्टिजीना, नगोया वगैरह, उनके लिए जो पर्टिकुलर सेक्रेटरीट होगा वो इसके मेंबर होंगे। अदर जो यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी हैं वो सभी इसके पार्ट होंगे, मतलब एनवायरनमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन कर रहा है उसको मैनेज करने के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है, से यस टू लेस। तो से यस टू लेस अगर क्वेश्चन आता है कि कैंपेन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने लॉन्च किया प्रोग्राम, इन्होंने 454 मिलियन रुपए का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, किसकी कोलैबोरेशन में, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की प्रोडक्शन में। और ये काम किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में, तो इंपॉर्टेंट नहीं है जरा भी ये हमारे लिए, बेसिक बात है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आ रही है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी काफ़ी, मतलब कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड के अंदर नंबर वन पे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्ट्रीट लाइटनिंग का प्रोग्राम हो गया, LED बल्ब रिप्लेस करने वाला प्रोग्राम, तो वैसे इसके और भी प्रोग्राम इनकी साइट के ऊपर जाके आप देख सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हमने पहले ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता कोल बेड मीथेन के बारे में, तो मीथेन, कोल बेड मीथेन के अंदर ये नेचुरल गैस है, फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मैंने आपको बताया था कि नेचुरल गैस मेनली मीथेन होती है, और भी गैसेज होती हैं लेकिन मीथेन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, इसलिए नेचुरल गैस मीन्स मीथेन। तो कोल बेड मीथेन, कोल के जो बेड्स होते हैं वहाँ पे जो मीथेन प्रेजेंट होगी उसको कोल बेड मीथेन कहते हैं। उसमें मेनली CH4 मीथेन है, और थोड़े अमाउंट में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसको स्वीट गैस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और जो सल्फाइड है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, और ये एनवायरमेंटली सेफ होती है, क्योंकि जो मीथेन को जलाया जाता है तो इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो गैसेस वगैरह हो गई, LPG जो हमने पहले पढ़ी थी, CNG, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर आता हमारे पास फ्लेमिंगो का फेस्टिवल, तो 3 डेज का एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया पुलिकट लेक के अंदर एंड नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी के अंदर में, और ये हर साल होता है, ठीक है। टूरिज्म को प्रमोट करता है ये पुलिकट लेक के अंदर और नीलापट्टू जो हमारी बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे, ठीक है। और माइग्रेटरी बर्ड जो ये नीलापट्टू सेंचुरी है, पुलिकट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड जो है विंटर के टाइम में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पुलिकट के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2017 के अंदर क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में आई थी ये, ठीक है। तो ये 2 स्टेट में फैली हुई है, तो वही ऑप्शन था जो आपको वहाँ पे चेक करना था। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, तो ब्रैकिश वाटर की लेक है, मतलब ना प्योर मैरीन ना ये जो है नॉर्मल वाटर है, ठीक है, जिसमें सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, उसके बीच वाला वाटर है ये ब्रैकिश वाटर। तो लार्जेस्ट है, फर्स्ट आती है चिली का लेक, जो सबसे ज़्यादा ब्रैकिश है, सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है हमारे पास। दूसरे पे आती है पुलिकट लेक, और अगर फ्रेश वाटर लेक की बात करेंगे तो वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वुलर लेक वो आती है फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक इंडिया के अंदर में, और ये 96%
मतलब ये तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर के ऊपर है, 96% आंध्र प्रदेश के अंदर है, 4% तमिलनाडु के अंदर है, और इसके अंदर आती है अरानी और कलंगी रिवर, इसके अंदर फ्लो करती है, बकिंगम केनाल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो श्री हरिकोटा है वो भी यहीं पे प्रेजेंट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये हमारा है यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है, ये हमारा आता है, ये पुलिकट लेक है जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, इसको सेपरेट कर रहा है यहाँ पे, ये श्री हरिकोटा आइलैंड है, इसके द्वारा सेपरेट, यहाँ पे सतीश धवन और स्पेस सेंटर भी है, ठीक है। तो ये हमारी पुलिकट लेक है, ये 96% कहाँ पे आ रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर में, 4% छोटी सी आ रही है ये तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। इसको बे ऑफ बंगाल से सेपरेट हुई है वो श्री हरिकोटा आइलैंड से, और ये जो नीलापट्टू बर्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी इसी के साथ में है, ठीक है, ये भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर है ये, मतलब मोस्टली ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, और 20 किलोमीटर नॉर्थ है ये पुलिकट लेक से आंध्र प्रदेश के अंदर। एंड देन इसके अंदर पेलिकल बर्ड आते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, इनका भी गेस्ट हैबिटेट है ये, तो ये इस तरीके का दिखेगा पेलिकन बर्ड। नेक्स्ट आया हमारे पास चीरू गोट के बारे में, तो चीरू गोट क्या होते हैं, चीरू गोट पाई जाती है ये, पहले पिक्चर देख लेते हैं इसकी, ये बर्फ़ के अंदर पाई जा रही है चीरू गोट, रहती कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड के अंदर रहती है, तिब्बतन जो प्लेटू है वहाँ पे रहती है ये, और इनको घूमने फिरने के लिए लार्ज लैंड चाहिए, मतलब काफ़ी मूवमेंट के लिए लार्ज एक्सपेंशन ऑफ लैंड चाहिए होती है इनको, ठीक है, अपनी जो इनकी फीडिंग है ब्रीडिंग उस हैबिटेट को पूरा करने के लिए काफ़ी बड़ी लैंड चाहिए होती है इनको, और रहते एकदम ठंडे इलाके के अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रूल आउट की थी कि मतलब इनको प्रिजर्व करने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व नहीं बना सकते ऊपर हम, क्योंकि एक तो ये मतलब काफ़ी ठंडे इलाके में रह रही है जहाँ पे 2-3 महीने तक ह्यूमन रह सकता है, उसके बाद ह्यूमन को नीचे आना पड़ता है, और इनको कैप्टिव में रखेंगे तो इनकी हैबिटेट को खतरा होगा, क्योंकि इनको काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये नियर थ्रेटेंड है, और इनका अंडर फर है, जो फर होते हैं उनको उनको शैतूत बोलते हैं, उसके लिए इनको हंट किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू होती है इंटरनेशनल मार्केट में। ये एंडेमिक है, मतलब उसी प्लेस पे पाया जाता है, कहाँ पे, तिब्बतन प्लेटू, मतलब हमारे जम्मू कश्मीर रीजन और तिब्बत के प्लेटू के ऊपर वहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, अगर जर्नल सा देखना होगा एक बार नज़र मार लेना, कराकोरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चेंगथेंग कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। फिर लोकतक लेक के बारे में आता है हमारा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आती है ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, अगर इंडिया की बात करेंगे तो वुल्लर लेक नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है, और यहाँ पे फुमड़ीज पाई जाती हैं, फुमड़ीज मतलब कि एक मतलब आइलैंड टाइप की वेजिटेशन है, ठीक है, जहाँ पे सॉयल होगा, ऑर्गेनिक मैटर होंगी, जैसे ये फुमड़ीज हैं, ठीक है, ये फ्लोटिंग वेजिटेशन बोलते हैं इनको, और ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लो कर रहा है वाटर के ऊपर में, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है मणिपुर के अंदर में, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर में ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर के अंदर पाया जाता है, और नेशनल पार्क का नाम है जो केबुल लमजाओ, जो कि लोकतक लेक के अंदर है, उसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि फुमड़ीज़ के ऊपर है, जैसे हमने फुमड़ीज़ देखी इन्हीं के ऊपर लोकेटेड है ये नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे रहता है एक संघाई डियर जो कि एंडेमिक है इसी प्लेस के ऊपर, ठीक है, ये रेफ्यूज है, एंडेंजर्ड है ये संघाई डियर, आगे आएगा संघाई डियर के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी न्यूज़ के अंदर। तो लोकतक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल भी प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये रामसार साइट भी है, संघाई डियर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, संघाई डियर एंडेमिक है इस लेक के लिए। फिर हमारे पास आती है एक सांभर सॉल्ट लेक, तो सांभर सॉल्ट लेक प्रेजेंट है राजस्थान के अंदर में, ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड, इनलैंड में अगर कोई सॉल्ट लेक पाई जाती है सबसे बड़ी यही है, और आपको याद रखना है गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है ये, अलग ही है उससे, ठीक है, और लैंड लॉक्ड है ये, मतलब इसमें जो पानी वगैरह तो इधर उधर से आता है, लेकिन इसको बाहर के लिए कोई स्ट्रीम नहीं है जहाँ से पानी बाहर जा सके, जैसे अगर देखेंगे तो मैप के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारी लेक है, ये पूरी कवर है, इसको बाहर से कोई मतलब चैनल नहीं है जहाँ से इसका पानी बाहर जा सके, तो उसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन से ही पानी ऊपर जाता है, और इवेपोरेशन से पानी उड़ जाता है, सॉल्ट रह जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी लेक है ये, और इसके अंदर सॉल्ट की एक्सट्रैक्शन की जाती है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को लैंड लॉक जो होता है इसको बोलेंगे एंडोरिक बेसिन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है, रामसार साइट है ये, और लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सोर्स है राजस्थान के अंदर में, और फ्लेमिंगो वगैरह भी आते हैं यहाँ पे बर्ड। फिर हमारे पास न्यूज़ आती है कि मंगल जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट है उड़ीसा के अंदर में, इनको प्राइज मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस चीज़ के लिए, इन्होंने इनोवेशन की टूरिज्म की एंटरप्राइजेस के अंदर इनोवेशन की, उस चीज़ के लिए इनको अवार्ड मिला। तो मंगल जोड़ी टूरिज्म ट्रस्ट क्या है, इनको बनाया गया, मतलब एक तरीके से ट्रस्ट है जिसको फंड देके बनाया हुआ है, किसने, RBS फाउंडेशन ने और इंडियन ग्रामीण सर्विस बैंक ने, मतलब इन्होंने पैसे देके एक ट्रस्ट बना दी, और उस ट्रस्ट को मैनेज कौन कर रहा है, उसको मैनेज कर रही कम्युनिटी, मतलब यहाँ की कम्युनिटी, जो मंगल जोड़ी विलेज है यहाँ की कम्युनिटी को माना जाता है कि ये जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं खुद,
तो उसी के लिए उनको मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करवा के एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके उनको कम्युनिटी लेड प्रोग्राम बना दिया इन्होंने, जिससे कि हम जो है टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और प्रोटेक्शन करेंगे वाइल्ड लाइफ जो है। तो उसी के लिए इनको जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने अवार्ड दिया। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है उनमें से एक पार्ट है। और काम क्या होगा इसका, टूरिज्म को बढ़ावा देगी, टूरिज्म से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी हो, तो वो काम करेगी। मतलब जर्नल से काम है और इंडिया इसका मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब न्यू आंट की स्पीशीज मिली कहाँ पे, वेस्टर्न घाट के अंदर में, ठीक है। और नाम है इसका टायरेनो मायरमैक्स एली, ठीक है। तो ये नाम है, वेस्टर्न घाट के अंदर मिली। क्वेश्चन जर्नल से आ सकता है कि क्या मतलब इसका कहाँ पे मिली, ये जो न्यू स्पीशीज मिली आंट की कहाँ पे मिली। नेक्स्ट आता हमारे पास एक बनाना की न्यू स्पीशीज मिली अंडमान निकोबार के अंदर में, ठीक है। तो ये हमारी इसकी पिक्चर है और नाम है इसका मूसा परमजीतानिया, ठीक है। नेक्स्ट आया ग्लैडोबिया कोन्या किनुरम, ठीक है। तो ये एक पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट है, कहाँ पे मिला, ये मिला हमें नागालैंड के अंदर, ठीक है। नागास जो ट्राइब है उनकी कोयाक ट्राइब है उनके नाम पे इसका नाम रख दिया हमने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए पैरासिटिक है, मतलब किसी और के ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्पीसीज है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है रेट्रो ट्रांस पोजोन। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन अगर आपको टर्म्स आती है तो ये क्या है, एक स्पेशल जीन है, जीन्स प्रेजेंट है। जीन मैंने आपको बताया था डीएनए का जो सेगमेंट जो कोड करता है किसी चीज़ को, कोई चीज़ बनाता है वो, ठीक है। ये किया गया जो कि मतलब इसमें पाई गई मतलब स्पेशल जीन है जो हेल्प करती हैं सिम्बिडिनियम को अडेप्ट करने के लिए मोर स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में। और ये सिम्बिडिनियम क्या है, ये एक एल्गी की स्पीसीज है, उसको अडेप्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो साइंटिस्ट अब देख रहे हैं कि ये जो जीन मिली क्या इसको ट्रांसफर करके किसी और प्लांट के अंदर यूज़ किया जाए, ताकि जैसे महाराष्ट्र के रीजन है, ड्रॉट प्रोन रीजन है, वहाँ पे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए इस जो जीन है इसको ट्रांसजेनेसिस से हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे प्लांट में, क्रॉप्स वगैरह में, ताकि हाइब्रिड वेराइटी क्रिएट की जा सके जो कि सेम प्रॉपर्टी शो करे, हीट को स्ट्रेस को रिड्यूस करे। अब एक जायगानीड डिस्कवर किया गया, न्यू मौत की वैरायटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट सर्वे, ये सर्वे करवाया गया यूके बेस्ड मनी सुपरमार्केट ने। इन्होंने चेक किया यहाँ पे कि कौन से देश के अंदर जो एनर्जी की नीड्स हैं वो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं और कौन से प्लेस के ऊपर ज़्यादा नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। तो इंडिया को रैंक किया गया 75th और मोजाम्बिक जो है कंट्री को फर्स्ट रैंक दिया गया। तो ये भी मतलब एक नई बात है कि गरीब कंट्री हैं उसको फर्स्ट रैंक मिला, क्योंकि यहाँ पे मतलब एनर्जी के रिसोर्सेज हैं ग्रीन की जाते हैं मोस्टली यूज़, ठीक है। कोल वगैरह वो इतने यूज़ नहीं किए जाते। फिर आता ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, तो इसको रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर हमारे पास एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको येल एंड कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेन है जो याद रखना है आपने, वो काम करता है येल एंड कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के साथ में। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्रीन ग्रोथ इंडिकेटर रिपोर्ट OECD पब्लिश करता है, ग्लोबल ई वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक तरीके से एक्सचेंज बना दी गई, स्पॉट एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज किया जा रहा है इसमें बाई और सेल वेस्ट एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर। मतलब डिफर्ड पेमेंट नहीं होगी, अब पैसे दोगे और उसी में आपको सामान मिलेगा, उस तरीके से स्पॉट एक्सचेंज बना दी हुई है वेस्ट को एक्सचेंज करने के लिए। तो मतलब एक तरीके से इनोवेटिव मेजर है ये, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, वेस्ट का भी यूज़ किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए एक एक्सचेंज बना दिया, आप फिर इसको परचेज कर सकते हो यहाँ पे वेस्ट जो है अपना, ठीक है। और इसकी मतलब किस चीज़ के लिए है, मेनली गंगा को क्लीन करने की बात हो रही है यहाँ पे। और किसने टाई अप किया हुआ है इसमें, तो इसमें है लंदन बेस्ड जीमैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी, इन्होंने टाई अप किया हुआ है सी गंगा से। सी गंगा हमने देखा था, ये भी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था, मतलब अभी फॉर्म हुआ है। तो सी गंगा क्या है, एक थिंक टैंक है, किस चीज़ के लिए, रिवर्स को क्लीन करने के लिए, मतलब रिवर्स के बारे में रिसर्च करेगा किस तरीके से रिवर्स को क्लीन किया जाता है, तो उस फील्ड में काम करने के लिए सी गंगा हमारा काम करता है। और मेनली हमने याद रखना है वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन एक्सचेंज के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसमें बाई एंड सेल किया जाता है वेस्ट को। अब साइंटिस्ट ने यूज़ की ऑरा सैटेलाइट, किस चीज़ के लिए, इन्होंने डिटरमाइन किया ओजोन की थिकनेस वगैरह, केमिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ओजोन रिकवर कैसे कर रही है, उन चीज़ों को यहाँ पे ऑरा सैटेलाइट से। तो ऑरा सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए आपको, नासा की सैटेलाइट है जो कि ओजोन और एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के काम आती है। फिर हमारे पास आती न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोलिजन इन ईस्ट चाइना सी दैट सेंक द ईरानियन
टैंकर गेव राइज टू एन ऑड एनवायरमेंटल डिजास्टर, मतलब एक ईरान का टैंकर आ रहा था ईस्ट चाइना सी के अंदर में, वो क्रैश हो गया, उसकी वजह से ऑयल स्पिल हो गया। ऑयल स्पिल की वजह से मतलब इसको बोला जा रहा है इनविजुअल ऑयल स्पिल। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं ऑयल स्पिल क्या होता है। ऑयल स्पिल होता है ऑयल को जब मतलब आप रिफाइन करते हो, ठीक है, या तो ऑयल स्पिल डायरेक्ट हो सकता है, क्रूड ऑयल भी आपका अगर पानी के अंदर गिर जाए उसको भी ऑयल स्पिल बोलेंगे, या उसकी कोई और फॉर्म जैसे रिफाइंड उसको कर दिया गया है तो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज गैसोलीन डीजल, अगर ये भी पानी के अंदर गिर जाए तो इनको भी ऑयल स्पिल बोला जाएगा जब टैंकर से। ठीक है, तो इसके अंदर और मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं, नेचुरल गैस वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर वो भी पानी के अंदर जाती है लिक्विड फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं इसमें, तो उसको भी ऑयल स्पिल बोलेंगे। तो ये एक न्यू काइंड का जो स्पिल हुआ, इसमें क्या था, जो हमारा क्रूड ऑयल अगर पानी के अंदर जाता है तो उसके लंप्स बन जाते हैं, तो उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, वो दिखता है, लेकिन ये इनविजिबल था, ये दिख नहीं रहा था, बिकॉज ये था एक स्पेशल पेट्रोलियम स्प्लिट। जब पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं उस टाइम कंडेंसेट एक स्पेशल फॉर्म है पेट्रोलियम की, वो बनी थी, उसका स्पिल हुआ ये। तो कंडेंसेट क्या है, एक टॉक्सिक लिक्विड बाई प्रोडक्ट है नेचुरल गैस प्रोडक्शन का। जब क्रूड ऑयल से नेचुरल गैस को बनाया जा रहा है तो उस टाइम कंडेंसेट बनता है एक, ठीक है, तो वो टॉक्सिक होता है और ये क्लम्प्स भी बनाता, जैसे ब्लैक ग्लोब्यूल बनाता है, क्रूड ऑयल बना देता है, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, तो उसको आप सोख भी सकते हो जल्दी। ये जो नेचुरल गैस के कंडेंसेट बनेंगे इनको कंडेंसेट बोला जाता है और ये इनविजिबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आया, अब इसको रिमूव कैसे करेंगे अगर ये इनविजिबल हैं, तो ये टॉक्सिक हैं काफ़ी टाइम तक रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इनको कैसे मतलब ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है अगर इवेपोरेशन होगी उसमें उड़ सकते हैं ये। ठीक है, अदरवाइज ये काफ़ी हार्मफुल होंगे ईस्ट चाइना सी के अंदर में, काफ़ी इनका मतलब इशू क्रिएट हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इनविजिबल ऑयल स्पिल की बात होती है तो ईस्ट चाइना सी के अंदर कंडेंसेट के द्वारा किया गया था, जो कि टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है नेचुरल गैस का, जो कि क्लम्प्स नहीं बनाता इसलिए इनविजिबल रहता है ये। तो ये जब इसमें इवेपोरेशन होगी तो इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। एक और टर्म है इनविजिबल ऑयल स्पिल, एक तो यहाँ पे इनविजिबल ऑयल स्पिल हो गया जो कि नॉर्मल सी टर्म यूज़ हुई न्यूज़पेपर के अंदर आया, लेकिन एक इनविजिबल ऑयल स्पिल, ये IUCN यूज़ करता है इस वर्ड को किस चीज़ को डिनोट करने के लिए, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है मैरीन के अंदर, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है उसको डिनोट करने के लिए इनविजिबल ऑयल स्पिल यूज़ करती है, क्योंकि प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल हमने देखा था, माइक्रो प्लास्टिक जो है पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चली जा रही थी, अब वो दिखती तो है नहीं, छोटे छोटे होते हैं, तो उसी के लिए इनविजिबल ऑयल स्पिल टर्म का यूज़ किया जा रहा है IUCN के द्वारा भी, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने मेड किया है, मैंडेटरी कर दिया कि डस्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं। ठीक है, तो जर्नल्स है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार अगर आपने सुना हो तो आपको पता लग जाएगा। जैसे जो रोड लेके जाएगा कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर वो पक्का रोड होना चाहिए, मतलब ब्लैक टॉप्ड होना चाहिए, तार को बिछा होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, ताकि मिट्टी ना उड़े, डस्ट वगैरह के लिए मिटिगेशन प्रोग्राम है। ठीक है, कोई भी सॉइल की एक्सक्यूवेशन जो है डस्ट मैनेजमेंट प्लान के बगैर नहीं करेंगे वो। ठीक है, ढके होने, जैसे ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो ढके होने चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे होती है। वाटर की स्प्रिंकलिंग करनी है आपने जब आप डस्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो, वो करना है, और इसमें अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी जो एनफोर्स करेगी इसको, वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और इसके जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं उन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैनेज देखा जाएगा एयर की क्वालिटी कितनी ख़राब है। तो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को आगे देखेंगे क्या है ये। तो डस्ट जो है एक जेनरिक टर्म है, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, एक तो धूल के लिए यूज़ की जा रही है और उसके अंदर मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन वगैरह, टाइटेनियम, मैगनीज, कॉपर, बेरियम, ये सब कुछ हो सकता है, वो टर्म डस्ट यूज़ की जा रही है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़ हमारे लिए। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स 1982 के अंदर इसको बनाया था, ठीक है, 1982 के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है मेन अथॉरिटी है इसके अंदर में, जो कि इस प्रोग्राम को देखती है। और इसके अंदर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, यहाँ तक के जो पॉल्यूटेंट हैं वो सेम है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए अब। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM2.5, PM10, ओजोन, लेड एंड कोबाल्ट, अमोनिया। तो ये जो हैं यहाँ तक के 8 जो हमारे पॉल्यूटेंट हैं ये सेम है, बाकी 4 इसके अंदर एडिशन में है, मतलब इसमें टोटल 12 है, तो 8 तो आपको याद होंगे ये, उसके साथ याद कर लेना बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक एंड निकल। ठीक है, अब हमारे पास आता, सेंट्रल ने सैंक्शन कर दिया एक न्यू प्रोजेक्ट जो कि कंट्रोल करेगा पॉल्यूशन रिवर साल के अंदर, जो कि है नवेलिम टॉन गोवा के अंदर प्रेजेंट। तो गोवा के अंदर 3 रिवर हैं, इनके सीक्वेंस के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये साल रिवर है हमारी, ठीक है, यहाँ पे जौरी रिवर है, ऊपर मांडोवी जिसको मदई रिवर भी बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जो मांडोवी रिवर है ये, इसके अंदर कन्फ्लिक्ट चला हुआ है कर्नाटका के साथ इनका, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिवर वगैरह कर्नाटका से ओरिजिन होती है। उसके बाद अगर आपको अरेंज करने के लिए बोल दें नीचे के नॉर्थ से साउथ की ओर, तो आपको पता होना चाहिए कि मांडोवी रिवर, जौरी रिवर, साल रिवर। फिर आया हमारे पास न्यूज़ जीरो डे। तो जीरो डे क्या है, जीरो डे एक वीकली रिपोर्ट है जो कि वाटर के ऊपर रिलीज की जाती है, कहाँ पे,
साउथ अफ्रीका के अंदर में, और ये डिनोट क्या कर रहा है, जीरो डे, जीरो डे ऐसे रिपोर्ट है, लेकिन डिनोट क्या कर रहा है, ये कैपटाउन जो इनकी कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, इस चीज़ को, ऐसे दिन को डिनोट कर रहा है ये, जहाँ पे जो इनके टैप होंगे, जो जहाँ से पानी निकलता है टैप से, और इनका ग्राउंड वाटर मतलब जो इनको वाटर अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब इस दिन काफ़ी इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ कि इस दिन पानी ख़त्म हो जाएगा, तो उसको बोल रहे हैं जीरो डे। तो आपको पता होना चाहिए जीरो डे वाटर से रिलेटेड है और साउथ अफ्रीका की कैपिटल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर आए टर्टल सर्वाइवल अलायंस, तो टर्टल की प्रोटेक्शन के लिए अलायंस बनाया गया है, जो 2001 के अंदर काफ़ी बड़ा क्राइसिस आया था टर्टल के बारे में एशिया के अंदर ठीक है, तो टर्टल को काफ़ी हानि पहुंची थी उसके उसमें, तो उसके लिए अलायंस बनाया गया था टर्टल को सर्वाइव करने के लिए अलायंस। तो आपको याद रखना है टर्टल सर्वाइवल अलायंस किसने बनाया, IUCN ने बनाया हुआ इसको, और काम क्या करेगा, बेसिक सी बात है, टर्टल को कंजर्व करने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा, बस नाम याद रखना IUCN, इसी के बेस पे ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब टर्टल के बारे में काफ़ी न्यूज़ के अंदर थे टर्टल इस साल, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन से टर्टल, 5 टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं और इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट 2 हैं इनको याद कर लेना, जैसे ये ग्रीन टर्टल एंडेंजर्ड है और हॉकिस बिल टर्टल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बाकी तीनों वल्नरेबल हैं, ऑलिव रिडली वल्नरेबल, लॉगरहेड वल्नरेबल एंड लेदरबैक वल्नरेबल। तो 3 वल्नरेबल, सिर्फ ऊपर वाले 2 याद कर लेना, बाकी अगर कोई भी आएगा तो वल्नरेबल ही होगा वो। तो मोस्टली टर्टल जो है ईस्टर्न एरिया के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट हैं, ठीक है, 1972 के एक्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। टर्टल और टोटॉइस के अंदर डिफरेंस है, टोटॉइस जो है लैंड के ऊपर ड्वेल करते हैं, और टर्टल लैंड के ऊपर भी होते हैं और वाटर के अंदर भी ड्वेल करते हैं। अब संघाई डियर कहाँ पाया गया था, लोकतक लेक के अंदर पाया गया था, जहाँ पे हमने देखा था केवो लमजाओ नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे देखेंगे ये एंडेमिक है, केवल इसी प्लेस के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, रेयर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, और मणिपुर के अंदर ही पाया जाता है। तो आपको याद रखना है एंडेमिक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और ये स्टेट एनिमल है, मणिपुर का स्टेट एनिमल, और ये केवो लमजाओ जो नेशनल पार्क है वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे हमने देखा था फुमड़ीज थी, ठीक है, फ्लोटिंग वेजिटेशन इस तरीके से, जब ये क्रॉस करता है इनको, ठीक है, इस टाइम इनको मतलब इसको बैलेंस करने के लिए, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमें डांसिंग की तरह दिखता है ये, तो इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए मतलब ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, संघाई ऑफन बैलेंस इट्सेल्फ लुक लाइक एज इफ इट इज़ डांसिंग, तो जब ये बैलेंस करता है खुद को तो ये डांस की तरह दिखता है, तो इसको डांसिंग डियर भी बोल देते हैं उसकी वजह से। क्लासीफाइड एज एंडेंजर्ड बाई IUCN एज ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, यहाँ पे एंडेंजर्ड है, तो ये शायद मिस्टेक हो गई है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको मैं बता दूंगा आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है। संघाई डियर एंडेंजर्ड बताया हुआ है यहाँ पे भी, जो पिक लगाई हुई है, तो मतलब ये ऊपर वाला गलत है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है ये, एंडेंजर्ड है, ठीक है। फिर आता फर्स्ट एवर स्टेट वाइड पॉपुलेशन एस्टिमेट किया गया, किसका, नीलगिरी ताहिर का। तो नीलगिरी ताहिर के बारे में पता होना चाहिए, पिक्चर देख लो इस तरीके का दिखेगा, नीलगिरी ताहिर यह है स्टेट एनिमल, तमिलनाडु का एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट का और एंडेंजर्ड है, और शोला फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। तो शोला फॉरेस्ट ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है, मतलब इस तरीके से माउंटेन के ऊपर फॉरेस्ट प्रेजेंट होंगे, और बीच में इनके ग्रास लैंड है, तो ये इनकी विशेषता है, जो मतलब फॉरेस्ट होंगे और उनके साथ में ग्रास लैंड प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलते हैं शोला फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है ये। 3 आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं यहाँ पे, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट का, एंडेंजर्ड है और शोला फॉरेस्ट में पाया जाता है ये। फिर इनिशिएटिव आता हमारे पास मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव, तो ये इनिशिएटिव है किसने चलाया हुआ है पहले ये पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और IUCN के द्वारा इसको चलाया गया है। इसको चलाया गया था 2004 के अंदर, सुनामी आई थी, उसके बाद जो है वर्ल्ड ने रियलाइज़ किया था कि मैंग्रोव का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होती है कोस्टल कम्युनिटी को, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके बाद इसको चलाया गया था। तो पहले इसमें मतलब मेंबर थे इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, साइचेल्स, श्रीलंका एंड थाईलैंड, जिनको हिट किया था ज़्यादा सुनामी ने। उसके बाद इनको 2010 के अंदर एंटर करवाया पाकिस्तान को और वियतनाम को, तो अब इसके मेंबर पाकिस्तान और वियतनाम भी बन गए हैं, ठीक है। तो मेनली आपको एक और चीज़ पहले तो एक याद रखना, UNDP IUCN का इनिशिएटिव है, कोस्टल कम्युनिटी को प्रिजर्व करने की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैंग्रोव को प्रिजर्व किया जाएगा, इसमें फोकस किया जाएगा हम कोस्टल रिस्टोरेशन, मतलब जो कोस्टल प्लांट वगैरह हैं उनकी रिस्टोर करवाया जाएगा, और करवाया जाएगा कोस्टल जो लिवलीहुड है, मतलब उनको स्किल वगैरह देके, ठीक है, प्लांट वगैरह, एनिमल वगैरह, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके कोस्टल लिवलीहुड भी इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। और कोस्टल जोन जो होती हैं
मतलब मेनली इसका काम है कि कोस्ट की मैनेजमेंट करनी है। कोस्ट की मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे कम्युनिटी आती है, उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है, नए नए वहाँ पे प्लांट भी लगाने हैं। सिर्फ मैंग्रोव फॉर फ्यूचर याद रखना है कि सिर्फ मैंग्रोव के लिए नहीं है ये। फिर आता नीलांबर टीक, तो नीलांबर टीक को मालाबार टीक की तरह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये इसकी पिक्चर है नीलांबर टीक की, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दे दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल हो जाए ना, अगर लास्ट के टाइम में आपको याद ना हो तो आप छोड़ सकते हो जो ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें होगी, ठीक है। और इसको नोन किया जाता है ड्यूरेबिलिटी के लिए, ठीक है। अर्थ ही कलर होता है इसका, लार्ज साइज का होता है, जैसे हम देख रहे हैं अर्थ की कलर का है, और ड्यूरेबल काफ़ी होता है उसके लिए, काफ़ी पॉपुलर है। और जो फंगल इन्फेक्शन होता है उनके लिए काफ़ी रजिस्टिव होता है ये। और इसकी प्रॉपर्टी होती है एक हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिसिटी मतलब फोबिया है इसको, दूर भागेगा एक इस चीज़ से, मतलब पानी से दूर भागेगा, और ऑयली नेचर से प्यार करता है ये, ऑयल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, पानी से दूर भागता है, ठीक है। तो वो और इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी मानी जाता है ये टीक जो ट्री होता है, इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी मानी जाती है कि कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन को करता है ये, मतलब कार्बन को अपने अंदर सोख लेता है काफ़ी समय के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कार्बन को अपने अंदर सोख के रखता है, तो उसके लिए टीक को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है।